माता पिता ना होने के कारण शिक्षा के प्रति मतलब व्यवस्था ही था ही नहीं। कभी प्राइमरी स्कूल में कभी भी मेरा कहीं पर भी नाम दर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा स्वयं को पालने में, स्वयं को मतलब व्यवस्थित करने में, मतलब बचपन में मैं बूढ़ी हो गई, ऐसा स्वयं को संभालने में लग गई मैं। रुचि तो था मेरा, लेकिन ऐसा कोई भी सुविधा नहीं था कि मुझे पढ़ाए वो, और मैं अब खुद से पढ़ाई करने के प्रयास की और फिर आगे पढ़ाई किया। मैं औपचारिक केतर से पढ़ाई शुरू की हूँ, जगदलपुर से संचालित हो रहा था। और उसके बाद पास होने के बाद मैं 8वीं भी प्राइवेट मैंने किया, फिर 10वीं का प्राइवेट की, फिर 12वीं का प्राइवेट की, फिर बीए में भी प्राइवेट की, उसके बाद एमए भी प्राइवेट की, फिर एमए में करने के बाद पीएचडी में मैंने विभाग से परमिशन लेके एडमिशन लिया। फिर वहाँ पर मैंने 5 साल तक पढ़ाई की, मतलब सर्विस करते हुए मैंने पढ़ाई किया है वहाँ पे। और फिर आज ये डॉक्टरेट की उपाधि भी मुझे मिल गई। मेरे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा युद्ध जीता है टाइप का लग रहा है। और पढ़ाई करके मैं अपने जो समाज के लोग हैं, एक शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करती हूँ। हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो बच्चे हैं आने वाले हैं, जीवन में अगर शिक्षा है तो सब कुछ मिलेगा। आज मुझे सम्मान जो मिल रहा है ना, तो शिक्षा के वजह से मिला है। किसी दिन मैं तो ऐसे कोना में थी, मुझे कोई अशिक्षित थी तो मेरा तो नाम अस्तित्व ही नहीं था। शिक्षा होने के कारण, शिक्षित होने के कारण मेरा मतलब मान भी है, सम्मान भी है और अस्तित्व है। और आज हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता, आज हमारा कोई मान नहीं होता, जिंदा लाश की तरह हम लोग जिंदा रहते। मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने अपना अस्तित्व बनाया है, अपनी पहचान बनाई। रविशंकर शुक्ल रायपुर से, विश्वविद्यालय रायपुर से, वहाँ से मुझे उपाधि मिला है। और मैं अपने समाज के और अपनी संस्कृति के विषय पे मतलब किया है बस्तर के परगना पर। तो शोध इसलिए किया क्योंकि मेरे समाज में आज जितने भी मतलब लोक कथा है, लोकगीत है, ये सब है, ओरल है, उसे लिखना है। ये तो पहले हमको जानना चाहिए कि किताब कैसे लिखा जाता है। इसके लिए मैंने बहुत पहले से सोचा कि मुझे एक किताब लिखने के लिए मुझे कोई कोर्स होता है तो उसे सीखना है। किताबें बहुत निकल गई है, लेकिन सीखने योग्य किताबें नहीं निकल पाई है। तो उसको गोंडी भाषा बचाने के लिए शेष जीवन का उपयोग करना है मुझे, और अपने समाज के लिए ही मुझे जीना है। अपने समाज में जितने भी मतलब बहुत सारे इतिहास है हमारे समाज के अंदर में, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया है, वो किताब के रूप ऊपर में नहीं हो पाया है, उसे करना है। और अपने बहुत सारे भाई बहनें शिक्षित हैं, मैं उन्हें संदेश देना चाहती हूँ कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के संस्कृति को, अपने समाज के पर्यावरण को, अपने समाज के देवी देवताओं को सुरक्षित करने के लिए वो लिखें। ओरल में रहेगा तो आगे चलकर ये मतलब ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। पहले घोटुल था तो घोटुल से ट्रांसफर होता था, एक यहाँ से दूसरे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाता था, लेकिन आज वो भी बंद हो गया। तो शिक्षा ही एक माध्यम है कि शिक्षित होना और उसे लिखित रूप में करना, जो भी हम सीखते हैं हमारे परंपराएं हैं उनको, और उसे अपने समाज को, अपने संस्कृति को एक सुरक्षित जगह और अपने समाज को बचाए रखना है। इसके लिए मैं अपने जितने भी शिक्षित लोग हैं उन्हें, अपने समाज के लोगों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो शिक्षित होकर अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए एक लेख बद्ध करें। जब पीएचडी में प्रवेश लिया तो मुझे बहुत सारे मतलब सामाजिक लोग हैं, उन लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया। और बस्तर से बहुत सारे सामाजिक है, बुद्री दीदी है, उन्होंने भी मेरे को प्रोत्साहन दिया कि तुमको पढ़ना चाहिए, आगे कुछ करना चाहिए वो। और पीएचडी करते समय डॉक्टर आबा पाल मैम है, मेरे गाइड को गाइड थी, और डॉक्टर साहसी सर हैं, वो मुझे गाइड किए हैं। बस्तर से तोकापाल से सूरज तिवारी जी हैं, वो बहुत मुझे हेल्प किए। घनश्याम नाग जी हैं, हरिहर वैष्णव जी हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मतलब हर समय हर समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर रहे हैं और मेरे को प्रोत्साहित किए। इसलिए ये सारी बहनों को, बच्चों को, मैं लड़कियों को तो खास करके कि शिक्षा ले, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से मतलब एक अच्छा जीवन, बेहतरीन जीवन जिया जा सकता है, दुनिया को देखा जा सकता है।